हाउ आर यू। ये देखिए मैं आपके लिए मैथ्स पजल लाई हूँ। इसको कैसे सॉल्व करना है, 16 फिर 3 दिया है, फिर 30 फिर 5 दिया है, फिर बीच में ब्रैकेट में 55 दिया है। ये मतलब है कि इनको सॉल्व कैसे करना है कि ताकि 55 आए, इनको किस तरह करना है 157 आए, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क इस हिसाब से सेट हो जाएगी कि कैसे बनाना है इसको। ये देखिए 16 × 3 48 जमा 7 कितना हो गया 55, ये हो गया। आगे क्या है 30, 30 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 कितना हुआ 157। अब 9 को 25 से गुना की कितना हो गया 225 जमा 7 कितना बन गया हमारा 232। ये बेटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। इस तरह हमने इसको कैसे किया, हमारा आंसर क्या गया 232। ओके बाय बाय।